हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यर्थी आईएएस डे 18 ऑफ टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज 2024। बिफोर बिगनिंग द सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज बिकॉज देयर इज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन नियर बाय, सो देयर माइट बी सम डिस्टर्बेंस इन द वीडियो। आई वुड मेक श्योर दैट इट इज एट द लीस्ट। सो लेट अस बिगिन। ए स्टिंगर एट लीस्ट इन मोस्ट बीज वॉस्प्स एंड आंट्स इज एक्चुअली अ केराटिन, a hardened cuticle, a tube for laying eggs, or a strong cartilaginous material? And the answer is C. That is a stinger, which is at least in most bees, wasps, and ants. It is a tube for laying eggs. There was an article in Indian Express which discussed about a study which mentioned that the honeybees hote hain, they can make better and faster decisions than humans. Most bees, wasps, एंड एंट्स में जो एक स्ट्रिंगर होता है, मतलब जो उनका डंक होता है, इट इज अ मॉडिफाइड ओविपोस्टर। इट मीन्स दैट वो जो उनका डंक होता है, जो स्ट्रिंगर होता है, इट इज एन एग लेइंग ट्यूब, जो कि उसको मॉडिफाइड वर्जन होता है स्ट्रिंगर। एंड इट हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर डिफेंस एंड बेसिकली उनके डिफेंस मैकेनिज्म में ही काम आता है। स्ट्रिंगर क्या होता है, ये एक बार्ब स्ट्रक्चर होता है। बार्ब स्ट्रक्चर मतलब कि एक जैसे ये अगर स्ट्रिंगर है, सपोज करो इसके ऊपर काफ़ी ऐसे ना स्ट्रक्चर बने होंगे, आप मतलब ऐसे कांटे वगैरह लगे होंगे। एंड दिस ट्रिगर एक्ट लाइक हाइपोडर्मिक नीडल टू इंजेक्ट वेनम। एडिशनली अगर हम बीज की कम्युनिटी, उनके सोशल सेटअप को देखें, तो उसमें तीन लेवल ऑफ हायरार्की होते हैं, जिसमें होती है क्वीन, फिर होते हैं वर्कर बीज, देन ड्रोन्स। अब इन सब का एक डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है, डिस्टिंक्ट रोल होता है जो उनके वो बी हाइव में प्ले करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वीन होती है, उसके मेन थ्री रोल्स होते हैं। सबसे पहला तो एगलिंग, फिर हाइव की रेगुलेशन एंड देन स्वार्मिंग। क्वीन की एवरेज लाइफ कितनी होती है, 1 से 2 साल। एक ही क्वीन रहती है, मतलब 1 से 2 साल तक एक ही क्वीन रहती है। उसके बाद जब पूरा उसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, क्वीन एक फेरोमोन छोड़ती है। फेरोमोन मतलब एक केमिकल होता है, जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं ना, वैसे क्वीन में होते हैं फेरोमोन्स। तो इसकी वजह से जो क्वीन की होती है एक डिस्टिंक्ट सेंट होती है, की वजह से जो पर्टिकुलर कॉलोनी है वो अपनी क्वीन को पहचान सकती है। इन फेरोमोन्स का एक फंक्शन ये भी है कि जो फीमेल वर्कर बीज हैं, ये उनको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो अपने आप में रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज डेवलप ना कर पाए, क्योंकि रिप्रोडक्शन का काम सिर्फ क्वीन बी के पास होता है। पूरे बीज की कॉलोनी में जो रिप्रोड्यूस कर सकती है फीमेल, वो होती है बस क्वीन। एंड मोस्टली जो मेल्स होते हैं ना हाइव में, बी हाइव में, वो ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स का मेन एक फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, मतलब कि क्वीन के साथ मिलके रिप्रोड्यूस करना ड्रोन्स का काम होता है। ड्रोन्स बेसिकली लार्जर होते हैं वर्कर बीज से, बट ये स्मॉलर होते हैं इन द साइज इफ यू कंपेयर देम टू क्वीन। 10 से 12% इनकी पॉपुलेशन होती है इन अ बी हाइव। ड्रोन्स में स्टिंगर नहीं होता, मतलब ये डंक नहीं मार सकते। ड्रोन्स बेसिकली जो एक बी हाइव होती है उसकी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द हाइव इज हेल्दी एंड उनके पास सरप्लस फूड एंड वर्कर्स हैं। अब जो फीमेल बीज होती हैं इन द बी हाइव विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो बेसिकली वर्कर बी का काम करती हैं। वर्कर बी का लाइफ स्पेन जो होता है, इट इज़ फॉर एवरेज ऑफ 5 to 7 weeks। वर्कर बी रिप्रेजेंट करती हैं अबाउट 80 to 99% ऑफ द कॉलोनीज पॉपुलेशन। इनका मेन काम होता है कि कॉलोनी को साफ रखना, नर्सिंग का काम होता है, क्वीन की निगरानी रखना, कॉम बिल्डिंग, नेक्टर एंड पोलन रिसेप्शन, पोलन पैकिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, हाइव डिफेंस, वाटर एंड फूड फॉरेजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखा जाए तो इन तीनों बीज में से सबसे छोटे होते हैं वर्कर बीज। वर्कर बी के पास स्टिंगर होता है एंड ये उनके डिफेंस के लिए यूज होता है। जो एग लेइंग और हैचिंग की प्रोसेस होती है एज अ वर्कर बी, इट टेक्स 21 डेज। आफ्टर हैचिंग वर्कर बी जो होते हैं, ये प्ले द मेन रोल इन द हाइव। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक वर्कर बी ही है तो मतलब सारा अपनी थ्रू आउट द लाइफ वर्कर बी ही रहेगा, उनके रोज में ट्रांजिशन होती रहती है। एंड इसको बोलते हैं पॉलीएथिज्म। हनी बीज एक डांस मूव परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं वोगल डांस। ये एक्चुअली डांस नहीं होता, बट रैदर एक क्लेवर वे होता है कम्युनिकेटिंग का विद इन द बीज। इसमें क्या होता है कि वो जो नेस्ट मेट होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं जब भी उनको कोई भी बेस्ट सोर्स ऑफ फूड मिलता है। वोगल डांस परफॉर्म करके जो बीज होते हैं, ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि एक जो रिसोर्स है वो कितने, मतलब फूड रिसोर्स है वो कितना हाई क्वालिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फूड इरेडिएशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट रिड्यूसेस स्पॉयलेज विदाउट मेकिंग द फूड रेडियो एक्टिव।
It effectively eliminates organisms that causes foodborne illnesses such as Salmonella and Escherichia coli. The Atomic Energy Regulatory Board is the regulatory authority in India that enforces food irradiation rules. How many of the above statements are not correct? And the answer is B. That is, all of the statements are correct. As per an article in Hindu Business Line, Maharashtra established onion storage bank using the irradiation technology. Food irradiation क्या होता है? आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि मतलब food को कुछ radiation देके उसकी जो safety है, उसको जो उसकी जो shelf life है उसको बढ़ाना. इसमें क्या होता है कि radiation का use करके germs को मारा जाता है and उसकी shelf life को extend कर दिया जाता है. रेडिएशन बेसिकली पेनिट्रेट करती है जब फूड में, तो क्या करती है वो उसके जो केमिकल बोन्स होते हैं उनको ब्रेक करती है ताकि जो बैक्टीरिया है उस और जो पैथोजेंस है वो मल्टीप्लाई ना कर पाए. बट ये जो रेडिएशन होती है ये काफ़ी मतलब डोजेस इसकी कम होती हैं, जैसे कि मतलब 2 से 7 किलोग्रे तक ही होती है ये. एंड इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी डिटेक्टेबल लेवल ऑफ रेडिएशन. एंड ये इफेक्टिवली एलिमिनेट कर देती है पोटेंशियली पैथोजेनिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को, जिसमें कि रिकॉग्नाइज पैथोजेंस लाइक सेल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एज वेल एज अदर एमर्जिंग पैथोजेंस लाइक कैम्फील्ड ऑफ्पैक्टर, लिस्टीरिया वोनोसाइटोजेंस और एस्केरिया कोलाई, ये सब इंक्लूडेड हैं. मतलब ये सब फूड इरेडिएशन से इलिमिनेट किए जा सकते हैं. रेडिएशन टेक्नोलॉजी के सेवरल एडवांटेजेस हैं फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सच एज इट इज़ अ फिजिकल नॉन एडिक्टिव प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि फूड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिनिमली चेंज होती हैं. एंड इट इज़ हाईली इफेक्टेड एज कम्पेयर टू केमिकल एंड फ्यूमिगेंट्स. मतलब कि अगर कोई भी केमिकल यूज़ किया जाता है तो उसका फिर भी ट्रेस रह जाता है अपने जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बट जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन टेक्निक है, इसके ट्रेसेज नहीं रहते. ऑल्सो इट कैन बी अप्लाइड टू बल्क एज वेल एज प्री पैकेज फूड. मोर ओवर ये एक कोल्ड प्रोसेस है एंड इससे क्या होता है कि जो फूड की प्रिजर्वेशन है वो उसके नेचुरल फॉर्म में ही हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. मोर ओवर इट डज नॉट डिस्ट्रॉय हीट लेबल अरोमा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड. सपोज अगर फूड में कोई एरोमेटिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि इलायची वगैरह में होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसका खुद का एक अरोमा होता है. कॉन्डिमेंट्स में बेसिकली यही चीज़ होती है कि उनके खुद का अरोमा होता है. तो इरेडिएशन से अगर हम उसको उनके बैक्टीरिया को हटाएंगे तो बेसिकली वो उनका अरोमा वैसे ही बना रहेगा, बट जो बैक्टीरिया वो खत्म हो जाएगा. मोर ओवर दिस प्रोसेस इज सेफ फॉर द वर्कर्स एज वेल एज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. इंडिया में अटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी विच एनफोर्सेज फूड इरिटेशन रूल्स. अब अटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ये बेसिकली जो कमर्शियल रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड होती है वो उसको रेगुलेट करती है विद इन द टू सेट्स ऑफ रूल विच आर एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड अलाइड रूल्स 2012 एज वेल एज द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट रूल्स 1994. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द इरेडिएशन ऑफ अनियंस, पोटैटो एंड स्पाइसिस फॉर द डोमेस्टिक मार्केट इन 1994 बाय अमेंडिंग द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट रूल्स. मोर ओवर एडिशनली इसमें कुछ आइटम्स इंक्लूड की गई थी 1998 एंड 2001. Also, in June 2012, Government of India also notified that under the Atomic Energy Act 1962, 8 categories of products जो हैं उनकी radiation processing, including onions and potato, वो हम इंडिया में अब कर सकते हैं. जो leading country है which lead in the largest number of food irradiation facility, it is China. And it is also the largest user of irradiation technology, which ensures food security and safety. Next question. Consider the following statements about sickle cell anemia. It causes the white blood cells to take abnormal shape, obstructing the blood flow. Hydroxyurea provides the complete cure for this disease. Government of India recently announced the launch of mission to eliminate sickle cell disease by 2030. How many of the statements given above are correct? And the answer is D. None of the statement given above is correct. So recently, the Delhi-based Ecmas Drugs and Pharmaceutical Limited, it announced the development of a new drug for sickle cell disease in March 2024. Ye nayi drug, it will be the country's first indigenous room temperature stable drug for sickle cell disease, which will be available at only 1% of the global price. मतलब कि जितना भी सिकल सेल डिजीज की ड्रग्स हैं जो ग्लोबली जितने प्राइस पे मिलती हैं उसके 1% प्राइस पे ये इंडिया ने जो नई ड्रग डेवलप की है, इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट.
स्टेटमेंट वन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि सिकल सेल डिसीज क्या होती है, इट इज अ जेनेटिक ब्लड डिसीज, मतलब कि ये वाया पेरेंट्स अपने जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको ट्रांसमिट होती है। सिकल सेल डिसीज में जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है इन रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इन द क्वेश्चन वी वर गिवन दैट जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें कुछ अबनॉर्मल शेप बन जाती है और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ब्लड फ्लो, तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अगर आपने बेसिक साइंस भी पढ़ी है ना, तो ये तो स्टेटमेंट आप वैसे ही इनकरेक्ट कर दो, क्योंकि आपको पता होगा कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं बेसिकली उनका मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी में, अगर कोई भी इन्फेक्शन फैल रही है तो उसके अगेंस्ट डिफेंस करना, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। ये तो इनका कोई ब्लड फ्लो से रिलेशन नहीं है, ब्लड फ्लो कंट्रोल करते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वैसे तो उनकी शेप ऐसे होती है, बाइकनकेव बोलते हैं उनको, के बाइकनकेव शेप होती है उनकी। तो इससे क्या होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप ना सिकल जैसी हो जाती है, मतलब ऐसे ऐसे वो सिकल देखा होगा जैसे आपने, तो ऐसी शेप के बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो हीमोग्लोबिन को बाइंड करने की मेन फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये जब ब्लड वेसल में जाते हैं ना तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ब्लड वेसल को, ऐसे जाके चिपक जाते हैं ब्लड वेसल के साथ। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना ब्लड वेसल्स की, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। अब ये जो सिकल सेल्स वाले सेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन डेफिशिएंट होते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि इनके इनके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग की जो इनका मेन प्रॉपर्टी है वो ये परफॉर्म नहीं कर पाते और इनकी शेप ऐसी हो जाती है। इसकी वजह से ये जो सिकल सेल वाले आरबीसीज है दे डाई मोर रेपिडली देन द नॉर्मल आरबीसीज। इनकी शेप जो सिकल सेल्स वाली होती है, जैसे मैंने के बताया आपको कि ये ब्लड वेसल्स के साथ चिपक जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होना होता है वो नहीं हो पाता, एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बन जाती हैं एक पेशेंट के लिए। स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज एट प्रेजेंट देयर इज नो कम्प्लीट क्योर फॉर द सिकल सेल डिसीज। एकमात्र इलाज जो अभी प्रेजेंट में सिकल सेल डिसीज के लिए हमारे पास है वो है कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और जो पेन मैनेजमेंट है उसके लिए हम मेडिकेशन दें और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है जो पेशेंट का उसको इम्प्रूव करें। एट प्रेजेंट जो रेमेडी है फॉर डिसीज इन्वॉल्व्स कीमोथेरेपी, डाइड्रोक्सी यूरिया, विच रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि एट प्रेजेंट हाइड्रोक्सी यूरिया प्रोवाइड्स द कम्प्लीट क्योर फॉर दिस डिसीज। तो कम्प्लीट क्योर वाली बात हमने अभी डिस्कस की है कि कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता सिकल सेल डिसीज। स्टेटमेंट थ्री इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज इन जुलाई 2023 द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन एट शाहडोल मध्य प्रदेश, एंड इट एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल डिसीज इन इंडिया बाय 2047। ये मिशन नेशनल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है, विच एम्स टू स्क्रीन, प्रिवेंट एंड मैनेज सिकल सेल डिसीज इन एरियाज विच हैव हाई प्रेवलेंस ऑफ द डिसीज। इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट बर्डन है सिकल सेल डिसीज का, एंड ये बेसिकली इफेक्ट करता है इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन। एंड मोर ओवर इन द यूनियन बजट 2023 नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज बाय द सिकल सेल डिसऑर्डर। ये जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है इट इज कैरिड आउट इन अ मिशन मोड फॉर स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन ऑल ट्राइबल एज वेल एज अदर हाई प्रेवलेंट एरियाज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। बेसिकली इसमें 278 डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया गया है विच लाइज इन द 17 स्टेट्स विच हैव हायर प्रेवलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज। आई होप अब आपको सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिजीज के बारे में जो भी कन्फ्यूजन होगी या जो भी इसका कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ हिग्स बोसोन डज नॉट इंटरेक्ट विद अनदर हिग्स बोसोन। फोटॉन्स द पार्टिकल्स ऑफ लाइट हैव नो मास बिकॉज दे डोंट इंटरेक्ट विद हिग्स बोसोन। Which of the statements given above are correct? And the answer is B. That is only statement number 2 is correct and statement number 1 is not correct. So recently Peter Higgs, जिन्होंने गॉड पार्टिकल जिसको हिग्स बोसोन भी कहा जाता है, उन्होंने उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सपोज किया था, he passed away. So statement number 1 is not correct because जो हिग्स बोसोन होता है it can interact with another हिग्स बोसोन, जिसमें कि क्वार्क्स, टाउ, म्यूओंस, डब्ल्यू बोसोन्स एंड जेड बोसोन्स इंक्लूड होते हैं। एक हिग बोसोन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बोसोन विच इज़ अ फोर्स कैरिंग सब एटोमिक पार्टिकल। मतलब एक एटम को अगर आप डिवाइड कर दें तो उसके कुछ और सब एटोमिक पार्टिकल्स निकलेंगे, जिनमें से एक होता है बोसोन, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन कैरीज द फोर्स विच पार्टिकल एक्सपीरियंस जब वो मूव करता है थ्रू एन एनर्जी फील्ड, जिसको हम हिग्स फील्ड कहते हैं,
विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. फॉर एग्जाम्पल, जब एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है हिग्स फील्ड से, तो उसके जो इफेक्ट वो एक्सपीरियंस करता है, इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द हिग्स बोसोन. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक पार्टिकल की इंटरेक्शन होगी विद द हिग्स बोसोन, उतना ज्यादा मास होगा उसमें. दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे हैव अ सर्टेन मास, एंड प्रोटोन में उससे ज्यादा मास होता है, एंड न्यूट्रॉन कैरीज जस्ट अ लिटिल बिट मोर मास देन प्रोटोन. एक हिग्स बोसोन पार्टिकल जब दूसरे हिग्स बोसोन सब एटॉमिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ कपलिंग, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द हिग्स सेल्फ कपलिंग स्ट्रेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा. अब ये जो सेल्फ कपलिंग प्रोसेस होती है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर शेपिंग द हिग्स बोसोन पार्टिकल एनर्जी एज वेल एज गिविंग मास टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स. मोर ओवर, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूऑन्स एंड फोटोन्स दे आर द मेन पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड दे हैव नो मास बिकॉज दे डोंट इंटरेक्ट विद द हिग्स फील्ड. हिग्स फील्ड क्या होती है? इट इज अ परवेसिव फील्ड, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होती है इन द यूनिवर्स, दैट गिव्स मास टू एलिमेंट्री पार्टिकल थ्रू द ब्रॉड इनलेट हिग्स मैकेनिज्म. इस मैकेनिज्म के थ्रू अगर हिग्स पार्टिकल जो हैं वो दूसरे अदर पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, तो दूसरे अदर पार्टिकल्स को कुछ मास प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं. जो अदर पार्टिकल्स हैं, इनमें से जो भी पार्टिकल स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करेगा हिग्स फील्ड से, तो उसका उतना ज़्यादा मास होता जाएगा. जो फोटोन्स होते हैं दे डोंट इंटरेक्ट विद द हिग्स फील्ड, दैट इज वाई इनके पास कोई मास नहीं होता. एंड इसका कारण क्या है कि फोटोन्स क्यों इंटरेक्ट नहीं करते हैं हिग्स फील्ड के साथ? बिकॉज जो हिग्स फील्ड होती है इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, और जो फोटोन्स होते हैं इनका भी, इनमें भी कोई वीक हाइपर चार्ज नहीं होता, दैट इज वाई दे डोंट इंटरेक्ट विद द हिग्स फील्ड. एडिशनली कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इन 2012 इन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू द सर लेबोरेटरी इन द यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इट अनाउंस कि फाइनली उन्होंने हिग्स बोसोन को डिटेक्ट कर लिया है बाय यूजिंग द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. एंड हिग्स बोसोन बार बार न्यूज में क्यों आता रहता है? बिकॉज हिग्स बोसोन जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल है ऑफ द यूनिवर्स, एंड इट हेल्प्स द साइंटिस्ट अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रीजल्स ऑफ द यूनिवर्स, कि कैसे बिग बैंग के इवेंट के बाद यूनिवर्स की क्रिएशन हुई. क्योंकि अगर हिग्स बोसोन फील्ड ही ना होती तो जो अदर पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट ना करते, और हमारे जो डे टू डे हम चीज़ें देखते हैं ये मैटर शेप में ना आता. पीटर हिग्स को 2013 में नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द हिग्स बोसोन थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप 10 इनोवेटिव इकोनॉमीज ग्लोबली एज पर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023. India ranks first among the lower middle income group economies in the GII 2023. Global Innovation Index is published by the World Economic Forum. How many of the statements given above are correct? And the answer is A. That is, only statement number 2 is correct, but statement number 1 and 3 are not correct. In the Global Innovation Index of 2023, India ne apni position, jo ki 40th position thi India index previously, वो रिटेन की है. एज पर द 2022 रिपोर्ट, इंडिया वॉज रैंक 7th पोजिशन इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग एक्टिविटी इन द वर्ल्ड. स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट बिकॉज इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग द 37 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज एज पर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023. ऑल्सो इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग द 10 इकोनॉमीज इन द सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, एंड इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, क्योंकि इंडिया का रैंक था 81st इन 2015. स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 लिखा है बट ये स्टेटमेंट 3 है. तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये पब्लिश किया जाता है बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम वीपो भी बोलते हैं. तो इन द क्वेश्चन वी वर गिवन दैट इट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है. इट रैंक्स 131 कंट्रीज बेस्ड ऑन द 81 इंडिकेटर्स. ये इंडेक्स स्टार्ट किया गया था इन 2007 बाय द इनसीड एंड वर्ल्ड बिजनेस, which is a British magazine. So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Abhyarthi IAS.